यूट्यूब चैनल टारगेट विन मानवी में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पे हम आप लेकर आए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम जो आपका 20 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आप सभी के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ समान विलनों के पी एच मान से क्वेश्चन आएगा। आपका जो ये हो गया आपका पेट का एग्जाम जो होगा उसमें पी एच मान से एक क्वेश्चन आएगा, उससे आपके 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। इसी वीडियो को आप अगर ध्यान से देख लेते हैं, सिर्फ 2-3 मिनट का एक वीडियो है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से एक बार देख लीजिए, आपका पीएच मान से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इससे फिर एक ही इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर आएगा भी नहीं, पीएच मान क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पूरा वीडियो देखिएगा, इसके आगे हम आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी से एक अपडेट आई है, वो भी हम आप लोगों को आज यहाँ पे बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन ही कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आमतौर पर परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ समान विलनों के पीएच मान। यहाँ पे जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है, जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है, दूध का पीएच मान कितना होता है 6.4 होता है, सिरके का पीएच मान कितना होता है 3 होता है, मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है 2.4 होता है, NaCl का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, अलमी घोल का पीएच मान कितना होता है तो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, शराब का पीएच मान कितना होता है तो 2.8 मतलब 2.8 होता है। किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मानव पर मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है तो 0.2 पर, ठीक है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है तो 4.8 से 8.4, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है 8.5 होता है, 8.5 होता है, आंसू का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। आप लोग इन सभी क्वेश्चन को नोट करते रहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इससे बाहर ही कोई पीएच मान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा इसी से आएगा, बस इनको क्लियर एक बार कर लीजिए। फिर यहाँ पे मानव लार का पीएच मान कितना होता है 6.5 होता है, कितना होता है 6.5 से 7.5 होता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि पीएच मान सबका एक बार देख लीजिएगा, क्लियर के लिए स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है ले सकते हैं, या फिर आप पेन पेपर से आप अपना नोट भी कर सकते हैं एक लाइन से यहाँ पे। और हमें आप लोगों को बिग अपडेट देने वाले हैं, यूपी ट्रिपल एससी से बिग अपडेट निकल के आई यहाँ पे, ये जो आपका पेट एग्ज़ाम होगा वो 20 अगस्त को जब हो जाएगा उसके एक ही महीने बाद आपका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा, सिर्फ एक महीने के बाद आफ्टर 1 मंथ आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उसमें ये लिखा होगा जितने भी आप मार्क्स पाते हैं वो मार्क्स का पूरा चार्ट बना के दे देंगे, जैसे कि और उसमें ये लिखा जैसे मुख्य परीक्षा में बैठने जैसे लेखपाल की मुख्य परीक्षा होगी तो उसमें इतना परसेंट लिखा होगा, जैसे कि मान लिया कि जनरल के लिए लिया जाएगा 80 से 85 तो लिखा होगा लेखपाल में जिसके भी जो लेखपाल परीक्षा जो मुख्य की होगी उसमें जिसके 80 से 85% मार्क्स आएंगे वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही पूरा एक चार्ट बना के दे देंगे, उसमें हर पोस्ट लिखी होगी और उसमें सब लिखा होगा, मतलब आपका 20 अगस्त है आपका एग्ज़ाम तो समझ लीजिए अगस्त भी हर उसके एक महीने बाद आपका ये क्या रिजल्ट आ जाएगा। और ये आपका भी क्लियर कर दिया गया है, जो वीडियो का री एग्ज़ाम होना है वो भी आपका पेट के बाद ही होगा, पहले पेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसके बाद में आपका वीडियो का री एग्ज़ाम होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।